हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीपीटी लेक्चर्स। मैं भूपेंद्र सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूं। और मेवाड़ का इतिहास हमने शुरू किया था। कल हमने गुहिल वंश से शुरुआत की थी और रावल चेत्र सिंह तक पढ़ा था। आज उसी के आगे शुरू करते हैं। जो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे रावल तेज सिंह के बारे में। रावल तेज सिंह जेत सिंह के पुत्र थे। इनके काल में 1253 में बलबन ने एक असफल आक्रमण किया और जैतल देवी इनकी पत्नी का नाम था। श्याम पार्श्वनाथ का जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, उसका निर्माण इनकी पत्नी जैतल देवी ने करवाया था। इनकी एक उपाधि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बहुत ही अलग सा नाम है, उमापति वार लब्ध। ये इनको उपाधि दी गई थी। अगर सीधा सा एक लाइन का एक सवाल आता है कि उमापति वार लब्ध किसकी उपाधि है, तो नाम याद रखिएगा, तेज सिंह की उपाधि है। इनके समय एक ग्रंथ लिखा गया था, प्रथम चित्रित ग्रंथ मेवाड़ का, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये 1260 में महाराणा तेज सिंह के काल में चित्रकार कमल चंद्र ने चित्रित किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मेवाड़ का पहला ग्रंथ कौन सा था, तो आपको इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर देखते हैं रावल समर सिंह। अभी रावल शाखा ही चल रही है चित्तौड़ में। राजवंश में दो शाखाएं हुई थी, रावल शाखा और सिसोदिया शाखा। तो अभी रावल शाखा चल रही है। तो फिर रावल समर सिंह के बारे में पढ़ते हैं। 1273 से 1302 के बीच में इनका समय बताया जाता है। इनके टाइम में 1299 में जब खिलजी जो है वो गुजरात अभियान पर गया था। गुजरात क्यों गया था? वो सोमनाथ के मंदिर को लूटने गया था, करण वाघेला पर आक्रमण करने गया था। तो जब वो जा रहा था, जब उसकी सेना जा रही थी उलूक खान और नुसरत खान के नेतृत्व में, तो जो रावल समर सिंह है इन्होंने उनसे कर वसूल किया था। तो यही बाद में आगे चलकर चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण बना था। तो आपको ध्यान रखना है 1299 में अलाउद्दीन की सेना से दंड वसूला। इन्होंने जीव हिंसा पर भी प्रतिबंध लगाया। जीव हिंसा पर प्रतिबंध इनके अलावा और किसने लगाया मुख्य पूछे तो चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने लगाया था जीव हिंसा पर प्रतिबंध, और प्रतिहारों में भोजने लगाया था। अलग 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 राजवंशों में से पूछ सकते किस शासक ने, इस राजवंश में से किस शासक ने जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था। रावल समर सिंह याद रखिए मेवाड़ में सबसे पहले अमित सिंह सूर के उपदेश पर, ये एक आचार्य थे। फिर रावल समर सिंह के लिए मेन इम्पोर्टेंट यही है। फिर उसके बाद जो आते हैं रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते क्योंकि इनके समय में चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था। इनका शासनकाल मात्र एक वर्ष का बताया जाता है। इनकी पत्नी रानी पद्मिनी पद्मावती, कर्नल जेम्स टोड जो है भीम सिंह को रानी पद्मिनी का पति बतलाता है। ये इतिहास का एक विवादित पात्र है रानी पद्मिनी। और पद्मावत नाम की जो पुस्तक है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है 1540 में, यानी कि इस घटना के 1303 के लगभग 300 से भी अधिक वर्षों के बाद में, लगभग 300 से अधिक नहीं 300 वर्षों के बाद में शेरशाह सूरी के काल में पद्मिनी की कथा का वर्णन किया था मलिक मोहम्मद जायसी ने। और अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ का आक्रमण का कारण जो है रानी पद्मिनी को बताया था। तो ये है इम्पोर्टेंट रावल रतन सिंह, ये उनकी चित्र बताया जाता है। फिर देखिए राघव चेतन, इनका नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ये एक विश्वासघाती थे, मेवाड़ सेना का तांत्रिक ब्राह्मण था ये। और जब पता चला कि तंत्र विद्या करता है, मतलब इस तरह के तंत्र मत करता है, तो इसे भेद खुलने पर मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया था। और इसने अपना बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और पद्मिनी को पाने के हेतु उसे उकसाया। गोरा और बादल कौन थे? गोरा और बादल ये दोनों शहीद होने वाले मेवाड़ के सेनानायक थे जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 रावल रतन सिंह रानी पद्मिनी और आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। राजस्थान का दूसरा शाखा, राजस्थान का पहला शाखा रणथंबोर में हुआ था 1301 में हमीरदेव चौहान के समय। दूसरा शाखा 26 अगस्त 1303 को हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण पर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ था और रावल रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ था केसरिया। तो जौहर और केसरिया दोनों एक साथ होते हैं तो क्या होता है शाखा। तो अलाउद्दीन के साथ रतन सिंह के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? अमीर खुसरो।
ऐसा कहा जाता है। अमीर खुसरो प्रत्यक्षदर्शी था, जैसे हल्दीघाटी के युद्ध में कौन थे, बंदायूनी था, उसी तरह अलाउद्दीन के समय में, प्रथम शाके के समय अमीर खुसरो जो है प्रत्यक्षदर्शी था। फिर ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण सिंह सिसोदा, ये वही उसी सिसोदा गांव से है जो रहाप ने बसाया था। अलाउद्दीन के साथ युद्ध में रतन सिंह के पक्ष में लड़ते हुए 7 पुत्रों सहित शहीद हो गए थे, किंतु इनके जो पौत्र थे हमीर देव वो जीवित रहे थे। तो खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खान के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था, हम पहले भी बात की इस पर। और खिजर खान ने 1303 से 1303 तक चित्तौड़ को संभाला, और उसके बाद में उसका मन नहीं लगा तो वो यहाँ से जो शासन है मालदेव सोनकराज चौहान, मूछला मालदेव भी कहते हैं, उनको संभाल कर, उनको सौंप कर वापस दिल्ली चला गया। तो अलाउद्दीन ने 1326 तक इनको मालदेव सोनकराज चौहान को प्रशासक नियुक्त किया था। और बनवीर चौहान इनके छोटे पुत्र थे, और 1326 में हमीर सिसोदा ने खिजराबाद जो है, चित्तौड़ जो है वो वापस ले लिया। चित्तौड़ किससे छीना, राव जैसा बोलते हैं उनको, जय सिंह से 1326 में युद्ध करके चित्तौड़ जो है वापस से मेवाड़ियों के अधीन हो गया। तो 1326 में फिर से मेवाड़ियों के अधीन तो हुआ, लेकिन यहाँ पर शाखा बदल जाएगी, दूसरी शाखा का शासन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर शुरू हुआ रावल रतन सिंह के बाद में आएंगे राणा हमीर 1326 से 1364। ये इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, राणा हमीर को। सिसोदिया शाखा का संस्थापक है ये। इनके समय में सिंगोली का युद्ध हुआ था, और सिंगोली चित्तौड़ में भी है, एक एमपी में भी है। तो चित्तौड़ वाली दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिल तुगलक को भी परास्त किया इन्होंने। देखिए खिलजी वंश खत्म हो गया था 1316 में, उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की संस्थापना की, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उनको भी राणा हमीर ने पराजित कर दिया। यह एक प्रतापी शासक थे। निर्माण क्या कार्य किया इन्होंने, अन्नपूर्णा माता का मंदिर चित्तौड़ में जो है वो अगर पूछे किसने बनाया तो राणा हमीर ने बनाया। ये इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और इन्होंने जो कार्य किया उसके लिए चित्तौड़ इनका लंबे समय तक ऋणी हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था इनका। फिर इनके पुत्र राणा क्षेत्र सिंह जिन्हें खेता कहते हैं, इनका शासनकाल 1364 से 1382 ईस्वी तक रहा, और मेवाड़ और मालवा के बीच में इनके समय में संघर्ष प्रारंभ हुआ। इन्होंने क्या है कि मालवा बूंदी के जो शासक थे लाल सिंह, उनसे युद्ध किया था। इन्होंने अजमेर और मांडवगढ़ पर शासन किया, इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। जबकि मंदसौर और छप्पन पर भी राजकाज किया था, उनका निधन जो है बूंदी के शासक लाल सिंह से युद्ध करते हुए 1382 को इनका निधन हुआ। इनके पुत्र जो है वो राणा लाखा होंगे, आगे हम राणा लाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में इम्पोर्टेंट और दो तीन चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इनके जो दासी पुत्र थे चाचा मेरा वो आगे वापस आएंगे, तो उस समय मैं आपको याद दिलूंगा, मैंने क्षेत्र सिंह के बारे में आपको बताया था, तब नाम लिया था इनका चाचा और मेरा। तो फिर फ्रेंड्स राणा लक्ष सिंह या फिर राणा लाखा 1382 से 1421 तक, इन्होंने क्या है, इनके समय पिछोला झील का निर्माण हुआ था। किसने बनाई थी, तो चिलीमार बंजारा, पिच्छू बंजारा जो था उसने पिछोला झील का निर्माण किया था। और राणा लाखा के समय ही मेवाड़ में चांदी की खान प्राप्त हुई थी जावर से। राणा लाखा की पत्नी थी हंसाबाई के पिता मारवाड़ नरेश राव चुंडा। यह एक सशर्त विवाह था राणा लाखा के साथ, इसी वजह से इनकी पत्नी भी महत्वपूर्ण है। तो इनके हंसाबाई के पिता मारवाड़ नरेश राव चुंडा भाई थे रणमल राठौड़, और पति जो थे माणन लाखा से पूर्व यह विवाह प्रस्ताव आया था युवराज चुंडा के लिए, लेकिन राज दरबार में राणा लाखा ने मजाक कर लिया कि अब हमारे इस उम्र में विवाह कौन हमारे लिए विवाह प्रस्ताव लाएगा। तो राणा चुंडा ने उस समय भीष्म प्रतिज्ञा ली, मतलब मेवाड़ का भीष्म किसको कहा जाता है, तो राव युवराज चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो सशर्त विवाह हुआ, विवाह की शर्त यह थी कि राव चुंडा जो कि युवराज है वो अगले राजा नहीं बनेंगे मेवाड़ के, जो पुत्र हंसाबाई और महाराणा लाखा से उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का आने वाला नरेश बनेगा। उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा, और जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम था मोकल। तो अब राव चुंडा युवराज चुंडा यहाँ के राजा नहीं बनेंगे, अगला राजा कौन होगा, मोकल। युवराज चुंडा कौन थे, ये लाखा के पुत्र थे, मेवाड़ का भीष्म पितामह। हंसाबाई एवं पिता लाखा के सशर्त विवाह को पूरा करने के लिए आजीवन मेवाड़ सिंहासन का संरक्षण बनने की इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली, और दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय को परास्त कर
तीर्थंकर को भी समर्थ किया। ये इनके ऊपर इनके मतलब मतलब ये इनका किया हुआ एक महान कार्य है, उपलब्धि है ये इनकी। तारागढ़ बूंदी में एक छद्म अभियान चला था। हम राणा लाखा की बात करें, तारागढ़ बूंदी जब राणा लाखा जो है तारागढ़ बूंदी के किले को नहीं जीत पाए, बूंदी नरेश हमीर सिंह हाड़ा से तारागढ़ प्राप्त करने में जब असफल रहे राणा लाखा, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक बूंदी नहीं जीत लूँगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो ऐसे में सरदारों ने प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मिट्टी का एक तारागढ़ चित्तौड़ बनवाकर उस पर लाखा को विजयी बनाया। लेकिन जब उस मिट्टी के उस बूंदी पर चढ़ाई कर रहे थे तब भी एक नकली तारागढ़ की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण हाड़ा जो थे एक चौहान, उन्होंने अपनी जान दे दी। तो बूंदी का लोहा इस तरह आज भी माना जाता है कि नकली बूंदी को जीतने के लिए भी कुंभकर्ण हाड़ा ने अपनी जान दे दी थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद उनका अन्न जल प्रारंभ किया, उन्होंने फिर से अपना व्रत वगैरह तोड़ा। तो ये छद्म अभियान के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं, तारागढ़ बूंदी से रिलेटेड राणा लाखा के समय का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी राणा लाखा के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, होप ये वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेवाड़ आगे कंटिन्यू करेंगे हम राणा लाखा के बाद में, राणा मुकल की बात करेंगे, कुंभा की बात करेंगे और भी जो प्रतापी शासक आएंगे उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा और फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।